डिफरेंट टाइप्स, क्या हुआ? अरे यार, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन जनरल यूज. फर्स्ट वन इज गैस आयन हाफ सेल. गैस आयन हाफ सेल रिएक्शन या हाफ सेल. अब गैस आयन हाफ सेल में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. जनरल हाफ H2 गैस ऑक्सीडाइजेस H+ एक्वस, एंड दूसरा है Cl- ऑक्सीडाइजेस टू Cl2 गैस. इसको हम लोग जनरली Pt H2 एंड H+ एक्वस सिस्टम लिखते हैं, और इसको Pt Cl2 Cl- एक्वस सिस्टम लिखते हैं. क्या हुआ? H2 ब्रैकेट में लिखा गया Pt के अलोंग H2 को ड्रॉप कर रहे हैं इसकी वजह से. या फिर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Pt एक H2 गैस एंड लाइक दिस. ठीक है, या दूसरा Pt H2 H+ एक्वस. सिमिलरली यहां पर भी आई कैन राइट इट एज Pt Cl2 गैस एंड Cl- एक्वस. इज दैट ओके? ओके. अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, सपोज E0 है, ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इस हाफ सेल का होगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट विल बी सिंपली गिवन बाय E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 लॉग H+ बाई रूट ओवर H2 का पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, और अगर H2 1 atm पर है तो ओनली H+ का कंसंट्रेशन. इस वाले के लिए क्या होगा? इफ E0 इज इट्स
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 लॉग रूट ओवर प्रेशर ऑफ Cl2 PCl2 and then you have concentration of Cl minus ions. ठीक है, Cl का concentration, Cl minus का concentration अगर हम बढ़ाते हैं तो cell potential क्या होगा मेरा, या half cell potential क्यों बढ़ेगा? बढ़ाओगे तो हाँ इनो सीएल का माइनस कंसेंट्रेशन, सीएल माइनस का कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो हाउ विल इट इफेक्ट ई? कम होगा ना, क्या क्या देखो कम होगा ना ई? ये अगर 5 यूनिट है और इसको बढ़ाओगे जैसे जैसे ये नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है, किसी बड़े नंबर में अगर कोई छोटी चीज घटाते, छोटी छोटी और छोटी चीज घटाओगे तो द डिफरेंस विल कीप ऑन इंक्रीज, राइट ना? That was the outcome you derived. नहीं माइनस ही रहेगा ना, -3 लोगे तो, और -3 से और बढ़ाते हो तो -2 हो जाएगा, ये -3 है तो ऊपर जाकर के +3 होगा और फिर यहां आएगा तो माइनस, -2 से ऊपर जाके +2, यहां आके -2, ठीक है? तो कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो द डिफरेंस इज गोइंग टू डिक्रीज, सॉरी डिफरेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, आई एम सॉरी, अरे 10^-3 पर इसकी वैल्यू मान लो 2 यूनिट है, 10^-3 पे 0.6 हो जाएगा, 10^-2 पे 0.4 हो जाएगा, तो 5 - 0.6 इज 4.4, 5 - 0.4 इज 4.6, 4.4 से 4.6 हो गया ना, फिर वैसे ही और बढ़ा दूंगा मैं 10^-1 कर देता हूं तो यहां पर 4.8 हो जाएगा, ठीक है? सो अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ाना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा, क्लोरीन के कंसेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, क्लोरीन माइनस के कंसेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन को कम करूंगा। यहां पर क्या करना होगा, अगर ई को बढ़ाना है तो एच प्लस के कंसेंट्रेशन को बढ़ाइए और एच टू के प्रेशर को घटाइए, क्या बोल रहे हो? हाँ, H2 के प्रेशर को अगर बढ़ाओगे
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर से कम होएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, ये ई की वैल्यू जो है वो कम बढ़ेगी, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो ये घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज, ये वाला इलेक्ट्रोड समझ में आ गया हम लोगों को, और इसका कंस्ट्रक्शन, दोनों का ही कंस्ट्रक्शन सेम एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था एग्जैक्टली उसी के तरीके का होता है। कोई भी गैस आयन इलेक्ट्रोड हमेशा गैस आयन हाफ सेल इज ऑलवेज गोइंग टू लुक लाइक द ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, सेम सेल के अंदर नहीं है, सेम सेल के अंदर क्यों रहेगा? हेलो, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हाफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल में रहेगा, ठीक है ना, सिंगल सिंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। छह अलग अलग टाइप के हैं, इनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट चीज, डिफरेंट सेल्स बनेंगे आपके, ओके। सेकेंड वन इज मेटल मेटल आयन, दिस इज मोस्ट कॉमन, जो अभी तक पढ़ते आए हैं हम लोग, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। द एग्जाम्पल्स कुड बी Zn टू Zn टू प्लस, और Ag सॉलिड टू Ag प्लस, इलेक्ट्रोड इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज Zn सॉलिड Zn टू प्लस एक्वस, दिस वन इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड एज क्या क्या, हाँ, इसका ई नॉट करेस्पॉन्डिंग ई जो होगा नॉन स्टैंडर्ड, दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट
माइनस आर टी एन एफ या फिर सीधे सीधे 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, इस केस में 2 हो जाएगा, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉरी एल लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ जेड एन टू प्लस, इसके लिए भी वेर मे बी इसको E1 बोल सकते हैं या इसका भी E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, दैट्स नॉर्मल थिंग. नेक्स्ट वन इज metal insoluble salt half cell. अब इसमें एक हाफ सेल जो हो सकता है वो ये हो सकता है AgCl सॉलिड एंड Cl माइनस एक्वस हाफ सेल, और इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी Ag सॉलिड प्लस सी एल माइनस एक्वस गिविंग राइज टू ए जी सी एल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन. और दिस सेल इज अगेन इट इज अ कंपोजिट सेल, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा दैट इज गोइंग टू ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा एजी एजी सी एल सी एल माइनस, अगर ये स्टैंडर्ड है इसका तो इसका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो हो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट एजी एजी सी एल सी एल माइनस माइनस 0.0591 एल एन 1 by concentration of Cl minus, ठीक है, 1 by concentration of Cl minus. अभी ये वाला जो हाफ सेल का है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट पेज नंबर 7 पे अगर हम फिर से जाते हैं, यहाँ पे मैंने किया है रिलेशनशिप निकाला है E नॉट नेट इज इक्वल टू E नॉट 1 माइनस आर टी एफ एल एन के एस, इज दैट ओके. E1 क्या है, E1 इज नथिंग बट एजी एजी प्लस, एजी टू एजी प्लस का E नॉट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो है इवन नॉट. सो हम लोग यहां पर वापस से जा सकते हैं,
एंड इस पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी, इस पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस कर सकते हैं ई नॉट एजी एजी प्लस, कहां पे, कहां, यहां, यहां, हाँ लॉग आएगा, एलएन नहीं आएगा, एलओजी लॉग, ये वाला नहीं सर, मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट। देखो इसमें द इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जहां एजी AgCl दोनों सॉलिड हैं, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ये सॉलिड रॉड होगा, Cl माइनस सॉल्यूशन में रहेगा, द नेट इक्वेशन इज Ag सॉलिड रिएक्टिंग विद Cl माइनस टू प्रोड्यूस AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मैं E नॉट Ag AgCl Cl माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं, इनफैक्ट इसी से होता है सेल नोटेशन, इसका हाफ सेल नोटेशन यही होता है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल कैन बी रिटन लाइक और कैन बी गिवन एज पर दिस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी एन एफ लॉग क्यू। नाउ लॉग क्यू इज वन बाई कंसेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस, इज दैट ओके। फर्दर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये कंपोजिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कंपोजिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में E नॉट Ag Ag प्लस, ठीक है, E नॉट Ag Ag प्लस माइनस आर टी एफ माइनस आर टी बाई एफ एल एन के एस टी, क्या क्या दो पार्ट्स में, नहीं दो पार्ट्स को ऐड करके सिंगल रिएक्शन बनाया, हाँ माइनस आर टी बाई एफ करूं या फिर इसको भी 0.0591 लॉग के एस पी AgCl लिख लूंगा, तो ये E जो होगा इन टर्म्स ऑफ Ag Ag प्लस विल बी गिवेन एज माइनस 0.059 लॉग के एस पी AgCl माइनस log 1 by concentration of Cl minus, इन दोनों को एक साथ करेंगे हम लोग तो इट विल बिकम E नॉट Ag Ag प्लस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस 0.0591
log ksp agcl divided by concentration of cl minus into 1 by cl minus, that is divided by cl minus. ठीक है, so ये हो जाएगा हमारा इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इज दिस क्लियर? ये क्लियर है हम लोगों को कि नहीं है क्लियर? यस सर. वेरी गुड. तो एक क्वेश्चन. सर सर रुको ना, थोड़ा ऊपर जाऊं. हाँ थोड़ा ऊपर जाते हैं, ठहर जाओ. यस बोलिए. हाँ सर, मुझे वो समझ नहीं रहा था थर्ड लास्ट स्टेप, बट अभी समझा. हो गया ना. एक सेकेंड.
ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा नोट्स में ये माइनस का प्लस साइन गलती से लिख दिया है, लिख के रखा है मैंने, वो गलती से ही लिखा है। अभी सॉल्व करने के बाद मुझे ध्यान आया कि वो गलती से लिखा है मैंने, पहले भी उसको नोटिस किया है बट चेंज नहीं किया है। पेन दो तो, पेन पेन ठीक। तो मुझे लगा वो बेसिकली सारी चीजें कैलकुलेट करके लिख रखी है, तो मुझे लगा कि कुछ गलत किया क्या यहाँ पे डेरिवेशन में। सो जस्ट क्रॉस चेक इट, अपना जो लिखवाया है वो सही लिखवाया है, डेरिवेशन सब है, वो मैंने जो कर रखा था वो गलत कर रखा था। ठीक है। सो दिस इज मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का अगला एग्जाम्पल जो होता है वो कैलेमल इलेक्ट्रोड होता है। कैलेमल इलेक्ट्रोड का इक्वेशन जो है वो आप लोग खुद से डिराइव करेंगे। दिया था मतलब नहीं, अब दे रहा हूं। कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड लिखते कैसे हैं? Hg2Cl2Cl- aqueous। नेट रिएक्शन इज 2 Hg लिक्विड प्लस 2 Cl- aqueous इज गोइंग टू गिव अस Hg2Cl2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन किस चीज के फॉर्म में लेकर के आना है? E इज इक्वल टू E नॉट Hg2 Hg+। ठीक है, और यहां पर जो भी रखना है आप लोगों को वो रखेंगे आप लोग। इज दैट ओके? सो ये बेस इक्वेशन रहेगा, ये बेस रहेगा आपका। अब यहां पर ऑब्वियसली KSP वगैरह यूज करना होगा, और यू शुड हैव द आइडिया ऑफ KSP Hg2Cl2। ठीक है, तो एक ये यूज कर सकते हो। प्लीज डेराइव दिस, समझ में आ रहा है क्या डेराइव करना है ना? देश पांडे एंड सामन एंड ऑब्वियसली पांडा भी। सामन अथर्व, सामन समझ में आ रहा है क्या डेराइव करना है ना? जैसे ऊपर की चीजें हमने स्टेप वाइज करी है, पहले इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने अज्यूम किया, फिर इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पहले कहीं डेराइव किया था उसको यूज किया। अब आप अपने लिए क्या करोगे? उसको बेसिक से डेराइव करोगे। ई नॉट एजी एजी सी एल सी एल माइनस 2 इलेक्ट्रोड के मिक्सिंग से है, या 2 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो ये भी 2 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, तो इसका रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम्स को कंसिडर करके और फिर आप मुझे इक्वेशंस व्हाट्सएप करेंगे, अभी करेंगे। तो मैंने फिर काट दिया और फिर मुझे
this is E is going to be equal to E naught Hg liquid Hg2Cl2 solid Cl minus aqueous minus 2.303 RT by 2F log 1 by Cl minus ka square. ठीक है, ये जो है ये है कंपोजिट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड ये इक्वेशन को हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज एच जी लिक्विड गोइंग टू एच जी प्लस एक्वस प्लस वन इलेक्ट्रॉन एंड एच जी प्लस एक्वस प्लस सी एल माइनस एक्वस गिविंग अस एच जी टू सी एल टू सॉलिड. अब ये करने के लिए यहाँ पर 2 एंड 2 डालना होगा और इसकी वजह से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 भी आ जाएगा. ये दोनों एक एक्सप्रेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट एच जी टू एच जी प्लस एच जी लिक्विड टू एच जी प्लस है और इसका है 1 बाय KSP Hg2Cl2. इनको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 Hg लिक्विड प्लस 2 Cl माइनस aqueous गिविंग अस Hg2Cl2 solid plus 2 electron. ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा, ट्रू, वो आ जाएगा. उस पर मेरा ध्यान नहीं गया, मैं ब्रॉडली चेक कर रहा था कॉन्सेप्ट सही कर रहे हो कि. और इसका E नॉट जो होगा देंगे हम, लिखेंगे हम लोग एच जी लिक्विड एच जी टू सी एल टू सी एल माइनस. सो इससे जो डेल्टा जी आएगा, इससे जो डेल्टा जी आएगा दोनों का ऐड करके इससे जो डेल्टा जी आएगा वो उसके बराबर हो जाएगा माइनस टू एफ ई नॉट एच जी लिक्विड एच जी टू सी एल टू सॉलिड सी एल माइनस इज इक्वल टू माइनस टू एफ ई नॉट एच जी लिक्विड टू एच जी प्लस एक्वस माइनस आर टी 2.203 आर टी
303 RT log 1/KSP Hg2Cl2। ठीक है, फर्दर 2F कैंसिल, इधर ये माइनस कैंसिल और नीचे में 2F आ जाएगा। सो E नॉट Hg लिक्विड, ओह सॉरी, Hg2Cl2 सॉलिड Cl माइनस इज इक्वल टू E नॉट Hg लिक्विड Hg प्लस एक्वस। जैसे इसमें लिखना नहीं होता बट ठीक है, लिख दिया मैंने। ये माइनस 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 साइन खत्म हो जाएगा और इसको ऊपर लेंगे तो एक माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे फिर से माइनस हो गया 2.303 RT बाय 2F log KSP Hg2Cl2। अब इसको हम लोग वापस से यहां पे लिख देंगे तो फाइनली मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट Hg लिक्विड Hg प्लस माइनस 2.303 RT by 2F log KSP Hg2Cl2 divided by concentration of Cl minus raised to the power of 2। ये वाली चीज आ जाएगी, इसके साथ में कंबाइन हो जाएगी, यही वाला पूरा चीज वहां पे रिप्लेस करना है। सो दिस विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने खुद से कर लिया है उनको भी और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी, इज दैट ओके? और दो कर लिया आपने तो मुझे लगता है कि बाकी सब भी आप लोग कर पाएंगे। नाउ अवस्थी जी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गैल्वेनिक सेल के आप लोगों से हो जाएंगे। लेट अस गो टू जस्ट स्मॉलर पार्ट्स, फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करेंगे। पेज नंबर 11, अगर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो किस तरह का इलेक्ट्रोड बनेगा? कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैसा बनेगा? कैथोड बनेगा। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। वेरी गुड। तो जो इलेक्ट्रोड है हमारा, उस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होएगा, ये बात क्लियर है? फाइन। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उस पर ऑक्सीडेशन होएगा और वो चीज वहां पे ऑक्सीडाइज होएगी, कोई तो एक चीज होगी जो ऑक्सीडाइज होएगी। अब ये तीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मैं आप लोग को देता हूं, आप लोग अपनी इच्छा के हिसाब से मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे।
Don't go on the values. The values might not be exact. Oh! अब मुझे ये बताइए, ये अगर चारों रिएक्शन पड़े हुए हैं, चारों चीजें पड़ी हुई हैं एक साथ, तो विच विल हैव ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड विच विल हैव ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस. ऑक्सीडाइज. सॉरी अथर्व सामंत, आपकी आवाज सर ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग है सीए टू प्लस. फिर ओवरलैप हुआ, फिर से पूछो एक बार. हेलो सर, आपने ऑक्सीडाइजिंग पूछा है रिड्यूसिंग पूछा? मैंने पूछा कि कौन सी चीज सबसे मतलब which will get preferentially oxidized and which will get preferentially reduced. So CaCa2 plus oxidizer, A plus. हाँ, आई सेड इनमें से किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की रहेगी और किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की रहेगी. ठीक है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी. ठीक है, अब हम लोग अपना बड़ा सा वो जो टेबल भेज रखा है मैंने, उसको देखते हैं, ओपन करते हैं. तो बेसिक रूल ये होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम है दैट विल इफेक्टिवली वर्क एज एनोड, यानी वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करने लगेगा और वो जो रिएक्शन हो रहा है उसका रिवर्स रिएक्शन विल बी द स्पॉन्टेनियस थिंग. ठीक है, और जो चीजें नीचे है मतलब टेबल में जो भी चीज नीचे है वो रिडक्शन के फॉर्म में काम करेगी और जो भी चीज ऊपर है वो ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा. इज दैट ओके? क्लियर टू एवरीवन? सर वो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? क्या क्या? अगर उल्टा करोगे तो सेल पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगा वो.
यानी उल्टा कराने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको बाहर से, ठीक हाँ है। और वही उल्टा कराने की कहानी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, यानी हर केस में स्पॉन्टेनियस रिवर्स रिएक्शन जो होगा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली कराने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल सप्लाई डालनी, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल सप्लाई डालेंगे तो हमारा रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन ले लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में यही डिफरेंस सिर्फ होता है केमिकल चेंजेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, और उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं हम तो केमिकल चेंजेस होता है। ऑब्वियसली वो जो केमिकल चेंजेस होता है वो फोर्स्ड केमिकल चेंजेस होंगे, दे वोंट बी स्पॉन्टेनियस, मैन उनको हमको स्पॉन्टेनियस बनाना पड़ता है सप्लाई दे करके, एनर्जी दे करके, राइट। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दे आर नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दे आर नॉट स्पॉन्टेनियस, इज दैट ओके? आई थिंक इसमें जो भी डिस्कशन करनी थी ना ओवरऑल, ये मैंने गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग कर दिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर गैल्वेनिक सेल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। So the first and foremost thing about this is it converts electrical energy into केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। द रिएक्शंस taking place in this cell are non-spontaneous in nature. Non-spontaneous in me.
reactions taking place in this cell, our cell, are non-spontaneous in nature. Hence, we need to provide electrical energy in order to bring these changes इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंटेनर यूज करते हैं जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है द कंटेनर और डिवाइस द डिवाइस इन विच प्रोसेस ऑफ electrolysis takes place is known as voltameter. It's voltameter. ठीक है नॉट वोल्ट मीटर देर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिवाइसेस दो दे साउंड वेरी सिमिलर टू ईच अदर वोल्ट मीटर इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस वेर एज वोल्टा मीटर इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस ठीक है अब ऐसे समझो एक मेरे पास बड़ी सी बैटरी है या पावर सप्लाई है जिसका प्लस एंटीना इधर है और माइनस एंटीना इधर है प्लस साइड इज ऑन द राइट एंड माइनस साइड इज माइनस टर्मिनल इज ऑन द लेफ्ट ठीक है और ये मेरा कंटेनर है जिसमें मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है हाँ मतलब ये वाला चीज नहीं होता है सर
एंट्री का। अब पॉइंट ये है कि इसको अगर मैंने पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट, और दूसरा वाला निगेटिव से जुड़ा है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा। ये बात तो समझ में आ रही है हम लोगों को, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या होगा, यहां पर से ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो मिलता नहीं है, ठीक है, मिलता क्या है, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजेक्शन होगा ना, या निगेटिव चीजों को अपनी तरफ पुल करके उसका निगेटिव चार्ज खींच लेंगे हम लोग, यही कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली सक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, इज दैट ओके, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रोड वहां पर सक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा, सॉल्यूशन में जो भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो अपना निगेटिव चार्ज यहां पर देगा, इज दैट ओके, और वो सक होकर के यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होएगा, वही इलेक्ट्रॉन इस तरफ हमको अपीयर होएगा, ठीक है, एंड इट फ्रॉम हियर इट विल अगेन एंटर इनटू द सॉल्यूशन, इट विल ट्राई टू एंटर, एक्चुअली ये एंटर नहीं करेगा, यहाँ पर जो कटायन है ए प्लस है दैट विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट डिपॉजिटेड ओवर हियर। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई, सॉरी, निगेटिव चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रोड से सप्लाई हो रहा है और वहां पर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन टेक प्लेस कर रहा है निगेटिव वाले पे। सो ये हो गया कैथोड मेरा और ये क्या हो गया एनोड, एनोड पर अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो गया, एनोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और कैथोड निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में कैसा था, एनोड वॉज निगेटिवली चार्ज एंड कैथोड वॉज पॉजिटिवली चार्ज, तो पोलैरिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है एनोड या कैथोड में इन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स, बट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है यानी ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा दैट डजंट चेंज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे हो रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चलती है, या फिर ऐसे देखें कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एनोड से कैथोड की तरफ ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जा रहे हैं ना, यहां से सक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फोर्सफुली एंड इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर इन एक्सटर्नल सर्किट, मेकिंग सेंस, और गैल्वेनिक सेल के अंदर भी एनोड से कैथोड पर ही जा रहा था इलेक्ट्रॉन, और करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा था एक्सटर्नल सर्किट में, कैथोड से एनोड पर, तो वेदर इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, द करेंट इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन एक्सटर्नल सर्किट, और इंटरनल सर्किट में क्या होगा, इंटरनल सर्किट में करेंट कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, यहां पर ये बी माइनस कंज्यूम हुआ तो यहां पर जो ए प्लस है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर आकर के वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके खुद सेटल डाउन हो जाएगा, इज इट ओके एवरीवन। सो वेदर इट इज गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सटर्नल सर्किट में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एंड इंटरनल सर्किट में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड,
एक्सटर्नल में कैथोड टू एनोड और इंटरनल में एनोड टू कैथोड। अभी यहां पर क्या है, यहां पर दोनों काम एनोड टू कैथोड के बीच में ही हो रहा है, एक्सटर्नल करंट भी इंटरनल करंट, क्योंकि दोनों एक ही सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ओके, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनको हमको नोट कर लेना होगा। सो लेट अस स्टार्ट नोटिंग नाउ। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल
नहीं, उसकी वजह से नहीं होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ना वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होता है, वो पेस्ट होता है, तो वो आपस में मिल नहीं सकते हैं। पेस्ट होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड ड्राई सेल्स। ठीक है,
Thus, this electrode acts as a site for reduction, and hence, referred as cathode. Electrode connected to negative terminal of the battery, referred as cathode. ठीक है, और next point. Upon close introspection, it is observed that electrons move from anode to cathode externally. That is current flows from cathode to anode externally. Whereas internally into the solution in the solution current flows from anode to cathode movement ions. ठीक है, सो बेसिक आइडिया ये हम लोगों का रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का. अब थोड़ी सी चीजें होती हैं एनर्जी कंसिडरेशंस वगैरह देखना. एनर्जी कंसिडरेशन में क्या देखेंगे, अगर यहाँ पर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो एबिलिटीज है मतलब जो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है उस चेंज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है और इस चेंज का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के और दोनों क्या होंगे, अपोजिट टू देयर नेचर होंगे. बात समझ में आ रही है, बोथ दिस रिएक्शंस आर गोइंग टू बी अपोजिट टू देयर नेचर.
मतलब जिनकी टेंडेंसी जो काम करने की होगी उसका ऑपोजिट इनको कराना है हमको, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो समेशन होगा उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस डेफिनेटली होएंगे, दे विल बी फोर्स टू हैपन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ई सेल से इनोड सेल ई सेल से, इनोड सेल नहीं, ई सेल से। तो इनोड सेल तो स्टैंडर्ड रहेगा ना, और हमेशा यहाँ पे सॉल्यूशन स्टैंडर्ड रहेगा ऐसा थोड़ी है, राइट ना? सो ई सेल से ज्यादा एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर रहे होंगे इस बैटरी के थ्रू, तो द रिवर्स रिएक्शंस आर ऑलवेज गोइंग टू टेक प्लेस। अगर उतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे तो इट विल नॉट टेक प्लेस। हाँ, इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ, ये नोट कर लो, और इसके आगे की चीजें फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ।